कुछ महीने पहले आईएएस चंद्रकला के बहुत किस्से सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। अब एक नई आईएएस के किस्से वायरल हो रहे हैं। जी हाँ, इनका नाम है भारती राज और ये आईएएस राजस्थान के उदयपुर में आदिवासी क्षेत्र विकास निगम में वित्तीय सलाहकार के पद पर कार्यरत है। इनके घर जब छापा पड़ा तो यह पता चला कि इन्होंने करोड़ों रुपए की अवैध कमाई कर रखी है। भारती राज के किस्से तो इतने अधिक हैं कि पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आय से अधिक ज्यादा संपत्ति की मालकिन भारती राज के यहाँ एसीबी जयपुर मुख्यालय की इंटेलिजेंस शाखा ने छापा मारा। इस छापे में जो कमाई सामने आई है उसने सभी को चौंका दिया है। भारती राज के उदयपुर स्थित कार्यालय और घर पर कार्रवाई की गई, उसमें अथाह संपत्ति सामने आई। इसे देखकर एसीबी की टीम भी चौंक गई। एसीबी के महानिदेशक डॉक्टर आलोक त्रिपाठी के निर्देशन में उदयपुर के पास इलाके में भारती राज के निवास पर 7 स्थानों पर अलग अलग कार्रवाई की गई। भारती राज के 4 बैंकों में से एक खाते की जांच में 1,03,00,000 रुपए मिले। बुहाना स्कीम में 500 वर्ग गज भूखंड मिला। पिछोला झील के पास 3 मंजिल होटल मिली। बीकानेर बिछवाल रिको इंडस्ट्रियल एरिया में 2 शोरूम मिले। I-20 कार स्कूटी विभिन्न बैंकों में स्वयं के नाम से FD और नगद के रूप में जो राशि मिली उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। वो है 1,03,64,33 रुपए। केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI में 4,00,000 रुपए मिले। यह पता चला है कि भारती राज के पिता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव का बीकानेर के नागचैन जी स्कीम में एक मकान है। ब्यूरो मुख्यालय के निर्देश पर बीकानेर चौकी की टीम उनके निवास पर पहुंची। यहां 2 नौकर मिले। ब्यूरो की टीम ने घर की तलाशी ली। इस दौरान मकान सहित 92,00,000 रुपए की FDR, टेनिची स्कीम में गुडविल आई हॉस्पिटल के पीछे 2 दुकानें, मुरलीधर व्यास कॉलोनी में 2 भूखंड, बिछवाल आवासीय कॉलोनी में 2 भूखंड, बिछवाल ट्रांसपोर्ट नगर योजना में 2 आवास व्यावसायिक भूखंड, रिको एरिया में व्यावसायिक भूखंड, यूपी के फतेहपुर में कृषि भूमि के कागजात मिले। इसके अलावा बैंकों में 8 खाते और लॉकर भी हैं। खाते सीज किए गए जिनकी छानबीन की जा रही है और लॉकर की तलाशी ली जाएगी। पता तो यह भी चला है कि पिता के नाम पर विभिन्न बैंकों में 97,00,000 रुपए की FD मिली और खुद के नाम पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 50,00,000 रुपए के निवेश के दस्तावेज, $250, 50 यूरो मुद्रा जब्त की गई। पिछले 10 सालों में 21 देशों की निजी विदेश यात्रा भी इस अधिकारी द्वारा की गई। उसमें 20,00,000 रुपए खर्च करने के दस्तावेज भी प्राप्त हुए। एसीबी की टीम द्वारा भारती राज के अलावा UIT के वरिष्ठ लेखाधिकारी रमेश बावरी के कार्यालय और घरों पर भी छापे मारे गए। रमेश बावरी के घर की तलाशी में 5,47,500 रुपए की राशि, 14,00,000 रुपए के सोने चांदी के जेवर, 4 मकान VIP कॉलोनी में 2 प्लाट सहित अन्य जगहों पर, जबलपुर के पास होता क्षेत्र में प्लाट, रेल मगरा में पोस्टिंग के दौरान खटकुड़ा में गांव में 10 बीघा जमीन खरीदी, झाडोल के बडनवास गांव में 15 बीघा जमीन, पत्नी और खुद के नाम पर 8 बैंक अकाउंट जिनकी जांच बाकी है। इसके अलावा भी कई बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। एसीबी टीम ने रमेश के परिचित वाणिज्यकर्म में कार्यरत कर्मचारी दुर्गा शंकर के सीसारमा स्थित घर पर सर्च किया। वहां से भी 97,000 रुपए नगद सहित जमीनों से जुड़े दस्तावेज मिले। कुल मिलाकर चंद्रकला के बाद यह दूसरी आईएएस है जो महिला होकर इतनी अधिक अवैध संपत्ति जिसने अर्जित की है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।